हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए बेटा करते हैं हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट। मतलब अब ऑलमोस्ट हम लोग लास्ट में पहुंच गए हैं, बहुत ज़्यादा बचा नहीं है हमारे पास में। आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट्स, ठीक है, एरर डायमेंशन ये सब हम पढ़ चुके हैं और यूनिट में भी काफ़ी कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हमारे पास में आ जाते हैं बेटा लास्ट के टर्म में कुछ फैक्चुअल डेटा, यानी ऐसा डेटा जो याद रखने वाला डेटा है। उस पर थोड़ी सी आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा डेटा आपको याद करना पड़ेगा, तब आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं आज की क्लास बेटा हम लोग स्टार्ट। कल मैंने आपसे कहा था कि भाई हमारे पास में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं या बेस क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो 7 होती हैं। 7 फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी हमारे पास में होती हैं, जिन्हें हमने आपके सामने बताया था, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, मोल एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, यहाँ से हम एक एक क्वांटिटीज़ को उठाएंगे और उनके बारे में हम अच्छे तरीके से जानेंगे। एक एक क्वांटिटी को हम उठाएंगे और बढ़िया करके उनके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, तो सबसे पहली जो क्वांटिटी है मेरे पास में, इस क्वांटिटी का नाम है मास। सबसे पहली जो क्वांटिटी है मेरे पास में बेटा, इस क्वांटिटी का नाम है मास। मास इज़ द फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी, फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी। तो बेटा मास है क्या, कैसे हम मास को डिफाइन करने वाले हैं, क्या होगा मास? मास को मैं कुछ ऐसे डिफाइन करूँगा, द क्वांटिटी ऑफ गिवन मटेरियल, कोई भी मटेरियल आपके पास में मौजूद है, उस मटेरियल की जो गिवन क्वांटिटी आपके पास में होगी, उस गिवन क्वांटिटी को ही हम नाम देंगे मास। बेटा समझ रहे हो, हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि मास को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे, द गिवन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड मास। तो आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, मास की डेफिनेशन ये है, द गिवन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड मास, द गिवन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड मास, ठीक है बेटा। ये हमारी गिवन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है। इसकी जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, इसकी जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है या SI यूनिट है और MKS यूनिट है। देखो बेटा, मास की जो SI यूनिट है और MKS यूनिट है वो है हमारी KG, यानी किलोग्राम, समझ रहे हो, ये मास की स्टैंडर्ड यूनिट है। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि मास की बहुत सारी अनदर यूनिट्स भी होती हैं, मास की बहुत सारी अनदर यूनिट्स भी होती हैं। वो कौन कौन सी यूनिट है भाई, मास की अनदर यूनिट्स कौन कौन सी है? हमने अभी बताया कि मास की जो यूनिट है वो है आपकी स्टैंडर्ड यूनिट, तो है केजी। उस केजी की वैल्यू होती है 1000 ग्राम, ठीक है बेटा। केजी के बाद में आता है 1 ग्राम, 1 ग्राम के अंदर होते हैं 1000 मिलीग्राम। आप ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम के अंदर होंगे 1000 मिलीग्राम, ठीक है बेटा, ओके। इसके बाद किलोग्राम हो गया है हमारे पास में, ग्राम हो गया है हमारे पास में, फिर आता है 1 पाउंड। 1 पाउंड की वैल्यू रहती है हमारे पास में 0.4536 किलोग्राम। मैंने आपसे कहा ना कि फैक्चुअल डेटा है, आपको याद करना पड़ेगा, बिना याद करे काम नहीं चलेगा। ये 1 पाउंड की वैल्यू है, या इन्हें लिख लिख कर देखिए, 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार, जितनी बार आप लिख कर देखेंगे उतना बेहतर तरीके से आप लोग बेटा इन्हें समझ पाएंगे, ठीक है। तो 1 पाउंड की वैल्यू है हमारे पास में 0.4536 किलोग्राम। इसके बाद में आता है हमारे पास में 1 स्लग, 14.57 kg। 1 स्लग की वैल्यू है हमारे पास में 14.57 kg। इसके बाद में आता है बेटा हमारे पास में AMU, इसकी फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास। बेटा ये मास की होती है सबसे छोटी यूनिट, आप ध्यान रखिएगा। देखो मैं बताता हूँ कि इस यूनिट का हम यूज़ कहाँ करते हैं। पहली बात तो किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, इन्हें तो आप जानते ही हैं। पाउंड के बारे में भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आप लोगों के लिए जो नई यूनिट यहाँ निकल कर आई है वो है स्लग।
स्लग हमारे पास में मास की एक न्यू यूनिट है, कुछ कंट्रीज़ के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि पोलैंड के अंदर, पोलैंड के अंदर स्लग का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और वन स्लग की वैल्यू रहती है 14.57 किलोग्राम। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट यूनिट है बेटा, इसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट। मैं इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये, एटॉमिक मास यूनिट सबसे छोटी यूनिट है, यानी जब हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या एटम का मास मेज़र करना है, भैया एटम का मास होता है बहुत कम। अब ऐसी कोई मशीन, ऐसी कोई वेगिंग मशीन, ऐसी कोई डिवाइस नहीं बनाई गई है जो एटम के मास को मेज़र कर सके, या हम ये कह सकते हैं कि एटम के मास को मेज़र करने के लिए किलोग्राम सही मायने में बहुत बड़ी यूनिट है। किलोग्राम बहुत बड़ी यूनिट है एटम के मास को मेज़र करने के लिए, क्योंकि एटम बहुत छोटा होता है, तो इसीलिए हमें एटम के मास को मापने के लिए एक छोटी यूनिट की ही ज़रूरत पड़ेगी। उस छोटी यूनिट को बेटा हम लोगों ने नाम दिया है एटॉमिक मास यूनिट। ये मास को मेज़र करने की सबसे छोटी यूनिट है, इससे छोटी यूनिट कोई भी नहीं हो सकती है। इस AMU में हम मेज़र करते हैं इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, बहुत सारी क्वार्क होती है उनका मास हम लोग मेज़र करते हैं, एटम का मास हम लोग मेज़र करते हैं, यानी जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं या एटम्स वगैरह होते हैं, उन सब के मास को मेज़र करने के लिए इसी यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है बेटा। अब 1 AMU की वैल्यू क्या होती है? 1 AMU की वैल्यू है 1.66 इंटू 10^-27 kg। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 1 AMU। ये हमारी 1 AMU की वैल्यू है। मुझे उम्मीद है कि इतना जितना मैंने अभी तक आप लोगों को बताया है ये सबको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। मास क्या है? द गिवन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड मास एंड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। ओके बेटा, ये है मास की अनदर यूनिट्स। इसमें सिर्फ दो नई यूनिट आप लोगों को दिखाई दी है, एक है हमारे पास में स्लग और एक है हमारे पास में AMU। AMU का हम यूज़ मैंने आपको बता दिया है, हम करते हैं एटम या बहुत छोटे पार्टिकल के मास को मेज़र करने के लिए, और इसे मास की सबसे छोटी यूनिट भी हम लोग बोलते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास। ओके बेटा, अब आते हैं हम नेक्स्ट यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट का नाम है हमारे पास में CSL। CSL हमारे इंडिया के ही एक साइंटिस्ट हुए हैं, प्रोफेसर चंद्रशेखर। ठीक है बेटा, उसी चंद्रशेखर यानी उन्हीं साइंटिस्ट के नाम के ऊपर ये यूनिट रखी गई है CSL। इस यूनिट की फुल फॉर्म है चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास। ये मास की सबसे बड़ी यूनिट है बेटा, इससे बड़ी यूनिट मास की कोई नहीं होती है। इट इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास एंड इट्स नेम इज़ चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट आप लोग लिख लीजिएगा ज़रूर अपनी कॉपी में। यह है हमारे पास में लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास। ये हमारे पास में मास की सबसे बड़ी यूनिट होती है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास, और इसकी वैल्यू होती है 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन, 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन, यानी सन के मास का 1.4 टाइम्स। जो सन का मास, देखो सन कितना बड़ा है, सन इतना बड़ा है कि लाखों अर्थ जैसे प्लैनेट सन के अंदर समा जाएंगे, इतना बड़ा है सन। सन के मास का भी 1.4 टाइम्स, ये हमारी लिमिट होती है, और ये सबसे बड़ी लिमिट है बेटा मास की। नाम मैंने आपको बता ही दिया है, नाम है चंद्रशेखर लिमिट, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। ओके स्टूडेंट, होप्सो कि आप लोगों ने नोट कर लिया हो और बातें भी आप लोगों को समझ आ गई हों। अब बढ़ते हैं बेटा हम लोग आगे। देखिए, हमारे पास में नेक्स्ट कंडीशन ये आती है कि हमें 1 किलोग्राम को डिफाइन करना है। हमें 1 किलोग्राम को डिफाइन करना है कि 1 किलोग्राम होता क्या है, हम किसे कहेंगे 1 किलोग्राम, इसे हमें डिफाइन करना है बेटा 1 किलोग्राम को।
अब हम कैसे डिफाइन करेंगे 1 किलोग्राम को? मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं आपको डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा। आप एक बॉक्स इमेजिन करिए बेटा, आप एक बॉक्स इमेजिन करिए ध्यान से, जिस बॉक्स की लेंथ भी होनी चाहिए 1 डेसीमीटर। डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर मीन्स 10 सेंटीमीटर। ब्रेथ भी होनी चाहिए 1 डेसीमीटर और हाइट भी होनी चाहिए 1 डेसीमीटर। देखो बेटा, बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा, आपको एक ऐसा बॉक्स कंसीडर करना है जो क्यूबिकल शेप का हो, जिसकी लंबाई भी 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर और हाइट भी 10 सेंटीमीटर। समझ रहे हो बेटा? लंबाई भी 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर। उस बॉक्स के अंदर हमें डालना है वाटर, उस बॉक्स के अंदर हमें डालना है वाटर, और उस वाटर का टेम्परेचर होना चाहिए 4.2 डिग्री सेल्सियस। उस वाटर का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए 4.2 डिग्री सेल्सियस। जब ये बॉक्स वाटर से पूरी तरीके से भर जाए तो इस बॉक्स का जो मास होगा वो हमारा कहलाएगा 1 kg। इस बॉक्स का जो मास होगा वो हमारा कहलाएगा 1 kg। देखो दोबारा से सुनिए ध्यान से, आपको एक बॉक्स लेना है जिसकी लंबाई भी 10 सेंटीमीटर हो, चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर हो। बॉक्स का अपना कोई मास नहीं होना चाहिए, बॉक्स का अपना कोई मास नहीं होना चाहिए, बॉक्स बहुत हल्का होना चाहिए। बॉक्स के अंदर डालना है वाटर, वाटर का टेम्परेचर होना चाहिए 4.2 डिग्री सेल्सियस। जब वो बॉक्स पानी से पूरी तरीके से लबालब भर जाए तो उस बॉक्स का जो मास होगा वही हमारा 1 kg कहलाएगा। उसी मास को हम नाम देंगे 1 किलोग्राम, वही मास हमारा 1 किलोग्राम कहलाएगा। अब बताइए बेटा, आप लोगों को मेरी बात समझ में आई है या नहीं आई है? ये हमारी 1 किलोग्राम की डेफिनेशन नंबर 1 है, ये फर्स्ट डेफिनेशन है हम लोगों की 1 किलोग्राम की, ठीक है? मुझे लगता नहीं कि कोई समस्या आप लोगों को होनी चाहिए। बॉक्स लेना है, बॉक्स के अंदर वाटर को डालना है, वाटर का टेम्परेचर होना चाहिए 4.2 डिग्री सेल्सियस। जब पानी से बॉक्स भर जाए तो उसका जो मास होगा वो हमारा 1 kg कहलाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ 1 किलोग्राम, ठीक है? आइए अब हम बढ़ते हैं सेकेंड डेफिनेशन पर। देखो बेटा, सेकेंड डेफिनेशन क्या है, ठीक है? सेकेंड डेफिनेशन क्या है ज़रा ध्यान से समझिएगा, ठीक? इंटरनेशनल लेवल पर एक हमारे पास में एजेंसी है जिसका नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब फ्रांस के अंदर एक सिटी है पेरिस, उस पेरिस में एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाई गई है जिसके अंदर ये सारी यूनिट्स या प्रैक्टिकल जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इन यूनिट्स को मेज़र करते हैं उन सबको प्रिजर्व करके रखा गया है बेटा, ठीक है? अब मैं आपको 1 किलोग्राम की एक दूसरी डेफिनेशन बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले आप सिलेंडर, हमारे पास में ना एक सिलेंडर होता है बेटा, हमारे पास में होता है एक सिलेंडर, इस सिलेंडर का नाम होता है प्रोटोटाइप प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर, प्रोटोटाइप प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? उस पेरिस के अंदर, उस बिल्डिंग के अंदर एक ऐसा सिलेंडर रखा गया है जो प्लैटिनम और इरिडियम से मिलकर बना है, प्लैटिनम और इरिडियम से मिलकर बना है, और उस सिलेंडर का नाम है प्रोटोटाइप प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर, ठीक है बेटा? सिलेंडर की खास बात यह है कि जितना सिलेंडर का डायमीटर है, सिलेंडर का जो डायमीटर है, देखिए ध्यान से, सिलेंडर का जो डायमीटर है, यह सिलेंडर का डायमीटर है, ये सिलेंडर का डायमीटर उसकी लेंथ के इक्वल है बेटा। सिलेंडर का जो डायमीटर है वो उसकी लेंथ के इक्वल है, डायमीटर लेंथ के इक्वल है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? ये डायमीटर लेंथ के इक्वल है, ये है हमारा प्लैटिनम इरिडियम प्रोटोटाइप सिलेंडर, ठीक है? और इसका जो मास है हमारे पास में वो कहलाएगा 1 kg, ठीक बेटा? अब हमारे पास में हो गई है 1 किलोग्राम की 2 डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास में द मास ऑफ 1 decimeter cubic water कॉल्ड 1 किलोग्राम, द मास ऑफ 1 decimeter cubic water,
वन डेसीमीटर क्यूबिक वाटर कॉल्ड वन किलोग्राम, और सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास में द मास ऑफ प्लेटिनम, द मास ऑफ प्रोटोटाइप प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर वूज डायमीटर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, वूज डायमीटर शुड बी इक्वल टू द लेंथ, जो सिलेंडर का डायमीटर है वो उसकी लेंथ के इक्वल है। तो ऐसे प्रोटोटाइप प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर का जो मास होगा वो हमारा कहलाएगा बेटा 1 kg। ये दो डेफिनेशन है हमारे पास में 1 kg को डिफाइन करने के लिए। अब आप एक काम करिए, सबसे पहले इन दो डेफिनेशन को अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। डेफिनेशन नंबर 1 लिखिए बेटा, द मास ऑफ 1 decimeter क्यूबिक वाटर, द मास ऑफ 1 decimeter क्यूबिक वाटर, द मास ऑफ 1 decimeter क्यूबिक वाटर एट 4.2 डिग्री सेल्सियस, एट 4.2 डिग्री सेल्सियस, एट 4.2 डिग्री सेल्सियस कॉल्ड 1 kg, कॉल्ड 1 kg, कॉल्ड 1 kg। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गई है डेफिनेशन नंबर 1, कॉल्ड 1 kg। अब आते हैं बेटा हम लोग डेफिनेशन नंबर 2 पर। देखिए डेफिनेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास में, लिखिए द मास ऑफ, द मास ऑफ, द मास ऑफ प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर, द मास ऑफ प्रोटोटाइप प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर वूज डायमीटर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, वूज डायमीटर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, वूज डायमीटर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द सिलेंडर कॉल्ड 1 kg, कॉल्ड 1 kg, कॉल्ड 1 kg। ठीक है बेटा, कॉल्ड 1 kg। तो बेटा ये हो गई है हमारी दो डेफिनेशन 1 kg को डिफाइन करने के लिए। तो अब हमने आपको बेटा मास के बारे में बता दिया है कि मास की डेफिनेशन क्या है। मास की स्टैंडर्ड यूनिट है किलोग्राम, अनदर यूनिट्स हैं ये, सबसे छोटी यूनिट है AMU और सबसे बड़ी यूनिट है हमारे पास में CSL, जिसे हम लोग बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट। 1 kg को हम डिफाइन कैसे करेंगे, एक तो ये पानी वाला मेथड मैंने आपको बताया, 10 cm लंबाई, 10 cm चौड़ाई, 10 cm ऊंचाई का एक बॉक्स लेना है जिसके अंदर वाटर डाल देना है और वाटर का टेम्परेचर होना चाहिए इतना, तो इस बॉक्स का जो मास होगा वो 1 kg कहलाएगा। और दूसरी डेफिनेशन ये सिलेंडर वाली हमने बताई है, इसका नाम नहीं भूलना है, इसका नाम है प्रोटोटाइप प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर, ठीक है, जिसका डायमीटर उसकी लंबाई के इक्वल होना चाहिए, ऐसे सिलेंडर को हम नाम देंगे या ऐसे सिलेंडर का जो मास होगा वो हमारा कहलाएगा बेटा 1 kg। क्लियर, ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मास के बारे में पढ़ते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ मास। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास में पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ मास। ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ मास बेसिकली हम यहां से ये कहते हैं कि भाई मास होता है हमारे पास में दो टाइप का, मास हमारे पास में यहां से दो टाइप का है। एक को हम लोग बोलते हैं इनर्शियल मास, इनर्शियल मास, इनर्शियल मास, ओके स्टूडेंट, और एक हमारा कहलाता है ग्रेविटेशनल मास, ग्रेविटेशनल मास, ग्रेविटेशनल मास। बेटा एक है हमारा इनर्शियल मास और एक है हमारा ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास क्या है, जैसे मैं आराम से अर्थ के सरफेस के ऊपर खड़ा हुआ हूँ तो अभी जो मेरा मास होगा उस मास को हम नाम देंगे ग्रेविटेशनल मास। ठीक है बेटा, अभी जो मेरा मास होगा वो अभी ग्रेविटेशनल मास कहलाएगा, यानी जो भी बॉडी
अर्थ की तरफ फ्री फॉल कर रही है ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, या अर्थ के सरफेस पर आराम से रखी हुई है। उस बॉडी का जो मास होता है वो ग्रेविटेशनल मास है, और इसके अलावा किसी भी बॉडी का जो मास होगा वो इनर्शियल मास की कैटेगरी में आएगा। ग्रेविटेशनल मास को मेज़र करने के लिए, ये जो ग्रेविटेशनल मास है ना बेटा, इसे मेज़र करने के लिए जो हमारे पास में डिवाइस होती है, जितनी भी डिवाइस हम लोग देखते हैं मास को मेज़र करने वाली, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वेगिंग मशीन हो या नॉर्मल मैकेनिकल वेगिंग मशीन हो या स्प्रिंग वाली जो वेगिंग मशीन होती है वो हो, यानी जितनी भी नॉर्मल वेट को मापने वाली मशीन हम लोग देखते हैं ना बेटा, वो सारी की सारी ग्रेविटेशनल मास को मेज़र करती है। यानी ग्रेविटेशनल मास को मेज़र करने वाली डिवाइस है नॉर्मल वेगिंग मशीन, जो आपकी नॉर्मल वेगिंग मशीन जो होती है ना स्टूडेंट, जो नॉर्मल वेगिंग मशीन होती है वो ग्रेविटेशनल मास को मेज़र करती है बेटा। ग्रेविटेशनल मास को मेज़र करेगी नॉर्मल वेगिंग मशीन, ठीक है। अब आता है हमारे पास में इनर्शियल मास। इनर्शियल मास बेटा, इनर्शियल मास को मेज़र करने के लिए एक ख़ास डिवाइस हमारे पास में होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं इनर्शियल स्ट्रिप बैलेंस। इनर्शियल स्ट्रिप बैलेंस ये हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ नाम मैं आपको इसका बता रहा हूँ, बाकी ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल मास अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से किसी भी बॉडी का जो मास हम लोग मेज़र करते हैं वो ग्रेविटेशनल मास की कैटेगरी में आता है, और इसके अलावा जो मास बचता है वो इनर्शियल मास की कैटेगरी में आता है। इसे मेज़र करेंगे नॉर्मल वेगिंग डिवाइस, तो हम लोग देखते हैं जो ग्रेविटी के कंसेप्ट पर काम करती हैं, जो आपकी नॉर्मल वेगिंग मशीन होती है ना, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वाली हो या नॉर्मल मैकेनिकल वेगिंग मशीन हो या स्प्रिंग वाली मशीन हो, समझ में आ रही बात, या पेन वाली जो मशीन होती है वो हो, ये सारी की सारी नॉर्मल वेगिंग मशीन होती है, इन्हें हम ग्रेविटेशनल वेगिंग बैलेंस भी बोलते हैं या फिजिकल बैलेंस भी बोलते हैं, या हम लोग इन्हें फिजिकल बैलेंस मशीन भी बोलते हैं बेटा। फिजिकल बैलेंस मशीन भी हम लोग इन्हें बोलते हैं। जितनी भी नॉर्मल मशीन आप देखते हैं, कभी अपना जो वेट आपने मापा होगा ना वो ग्रेविटेशनल मास आया होगा, कभी भी आप लोगों ने अपना मास मेज़र किया हो मशीन के ऊपर खड़े होकर, वो ग्रेविटेशनल मास आया होगा मशीन के अंदर, और जिस मशीन से मापा होगा वो हमारी नॉर्मल वेगिंग मशीन कहलाएगी, ठीक है बेटा। इनर्शियल मास इसे हम मेज़र करेंगे इस डिवाइस से, नाम है इनर्शियल स्ट्रिप बैलेंस। तो बेटा इसके साथ मास का काम हो जाता है हमारा पूरी तरीके से फिनिश। हमने आपको मास बता दिया, मास की यूनिट्स बता दी और मास के टाइप हमने आपको बता दिए। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी और यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम पढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में लेंथ, ठीक है। जल्दी से नोट करिए आप लोग, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे और लेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे कि लेंथ क्या है। ओके स्टूडेंट, तो बेटा मास तो हम लोगों ने कर लिया है डिस्कस। अब मास के बाद जो अगला नंबर हमारे पास में आता है इसे हम लोग बोलते हैं लेंथ, ठीक है बेटा। मास के बाद जो अगला नंबर हमारे पास में आता है इसे हम लोग बोलते हैं लेंथ। आइए जानते हैं लेंथ के बारे में। पहले हम ये देखते हैं कि लेंथ होता क्या है, लेंथ क्या होती है, ठीक है। मैं डेफिनेशन आप लोगों को लिखवाऊं, बेटा उससे पहले आप लोग देख लीजिए कि लेंथ बेसिकली है क्या हमारे पास में, किसे कहेंगे हम लोग लेंथ। देखिए स्टूडेंट, पहले हम लोग जान लेते हैं कि लेंथ हम कहेंगे किसे, लेंथ, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास में कोई स्टिक है बेटा, ये कोई स्टिक है, और आप जानते हैं कि यह है स्टिक का एंड, एंड ऑफ द स्टिक, ये भी है एंड ऑफ द स्टिक, ठीक है।
तो स्टिक के एंड के बीच की जो सेपरेशन होती है, द सेपरेशन बिटवीन द एंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास में, मान लो कि ये मार्कर है मेरे पास में, इसका एक किनारा ये है और एक किनारा ये है, इनके बीच की जो सेपरेशन होगी उसी सेपरेशन को हम लेंथ का नाम देंगे। यानी एक किनारा ये है और एक किनारा ये है, इनके बीच का ये जो गैप होगा ना बेटा, इसी को मैं नाम देने वाला हूँ लेंथ, यही हमारी कहलाएगी लेंथ। ओके, अब लेंथ की जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट हमारे पास में होती है, लेंथ की जो SI यूनिट हमारे पास में होती है, वो SI यूनिट है बेटा मीटर। ध्यान रखिएगा आप लोग, लेंथ की जो SI यूनिट हमारे पास में है वो SI यूनिट है मीटर। अच्छा, इसके अलावा जो अनदर मेजरमेंट है हमारे पास में, इसके अलावा जो हमारे पास में अनदर मेजरमेंट है वो कौन कौन सी हैं, ज़रा देखिएगा आप लोग, इसके अलावा जो अनदर मेजरमेंट है वो कौन सी है भाई। हम कह सकते हैं कि जो 1 मीटर होगा वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, जो 1 सेंटीमीटर होगा वो 10 मिलीमीटर के इक्वल होगा बेटा, जो 1 मिलीमीटर होगा वो 10^-3 मीटर के इक्वल होगा, ठीक है बेटा। इसके बाद जो 1 माइक्रोमीटर होगा, दिस इज कॉल्ड माइक्रो, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ना बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं माइक्रो। जो 1 माइक्रोमीटर होगा, बल्कि माइक्रोन बोलते हैं, माइक्रोन, ठीक है, वो होगा हमारा 10^-6 मीटर। 1 नैनोमीटर, ये जो स्मॉल n आपको दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं नैनो। जो 1 नैनोमीटर होगा वो होगा 10^-9 मीटर। समझ आ रही है स्टूडेंट्स बात, ये आपको याद करनी पड़ेगी बेटा अच्छे तरीके से। बिल्कुल, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल है, 1 मिलीमीटर इतने मीटर के इक्वल है, 1 माइक्रोमीटर इतने के इक्वल है, 1 नैनोमीटर इतने के इक्वल है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, जो हमारे पास में 1 पिकोमीटर होगा बेटा, उसकी वैल्यू होगी 10^-12 मीटर। उसके बाद आता है हमारे पास में 1 फेमटोमीटर या फर्मी मीटर, इसकी वैल्यू होती है 10^-15 मीटर। समझ आ रही है स्टूडेंट्स बात, ध्यान से देखिएगा, इस पी को हम लोग कहेंगे पिकोमीटर, पिकोमीटर, और ये जो एफ आपको दिख रहा है, इस एफ को हम फर्मी भी बोलते हैं, और फर्मी के साथ साथ हम इसे फेमटो भी बोलते हैं बच्चों। फर्मी तो बोलते ही हैं, फर्मी के साथ साथ हम इसे फेमटो भी बोलते हैं, फेमटोमीटर। तो ये हमारे पास में है अनदर मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ, लेंथ की अनदर यूनिट्स, लेंथ की मीटर के अलावा भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, और वही है बेटा हमारे पास में ये। जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है वो तो है मीटर, और मीटर के अलावा है मेरे पास में ये सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर एंड फेमटोमीटर। होप सो कि आप लोगों को बेटा बात समझ में आई हो। इसके अलावा हम इसका भी यूज करते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, जिसकी वैल्यू हमारे पास में रहती है 10^-10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10^-10 मीटर। अच्छा, इसके अलावा हम इनका भी यूज करते हैं बेटा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, इसका भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो ये बेटा हमारी सारी की सारी यूनिट्स हैं लेंथ की, लेंथ को मेज़र करने के लिए इन सभी यूनिट्स का हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखिए लेंथ की, लेंथ की डेफिनेशन है क्या हमारे पास में, लिखो बेटा लेंथ की डेफिनेशन क्या है हमारे पास में। लिखेंगे आप लोग, द सेपरेशन बिटवीन एंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, द सेपरेशन बिटवीन एंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉल्ड लेंथ। द सेपरेशन बिटवीन एंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉल्ड लेंथ। एंड द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज
एंड द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज, एंड द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज मीटर। बेटा स्टैंडर्ड मेजरमेंट है मीटर, आप ध्यान रखेंगे ये है हमारे पास में स्टैंडर्ड मेजरमेंट, ठीक है, यह है स्टैंडर्ड मेजरमेंट। ओके, अब मीटर के अलावा इतनी सारी यूनिट हमारे पास में होती है, पहले आप इन्हें अपनी कॉपी में आराम से लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे की यूनिट्स बताऊंगा कि और आगे की यूनिट्स क्या क्या होती हैं। लिखिए पहले आप लोग आराम से। ओके स्टूडेंट, तो लिख लिया होगा बेटा आप लोगों ने ये जितनी भी मैंने मेजरमेंट आप लोगों को बताई हैं। चलिए इनके अलावा देखते हैं कि और कौन कौन सी मेजरमेंट होती हैं। देखो ये जो मैंने मेजरमेंट आपको बताई है इनका यूज़ तो हम करते हैं छोटे लेवल पर, अगर हमें छोटे लेवल पर लंबाई को मापना है तो हम सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, इन सब का हम यूज़ करेंगे बेटा। लेकिन अगर हमें बड़े लेवल पर डिस्टेंस को मापना है, जैसे हमें दो सिटी के बीच की डिस्टेंस मेज़र करनी है, तो हम हमेशा किलोमीटर में डिस्टेंस मेज़र करते हैं। हमें अर्थ से लेकर मून के बीच की डिस्टेंस मेज़र करनी है, हमें अर्थ से लेकर सन के बीच की डिस्टेंस मेज़र करनी है, हमें इस गैलेक्सी का साइज बताना है कितना होगा, हमें यूनिवर्स का साइज बताना है कितना होगा, यानी ये जो जितने भी स्केल मैंने आप लोगों को जस्ट अभी बताए हैं ये बड़े स्केल हैं बेटा, बहुत बड़े स्केल हैं, यानी बहुत बड़े लेवल पर हम लेंथ को मेज़र कर रहे हैं। कि जब बहुत बड़े लेवल पर हम लेंथ को मेज़र करते हैं तो हम यूज़ करते हैं इन यूनिट्स का। देखो अगर हमें दो सिटी वगैरह के बीच का गैप निकालना है तो हम यूज़ करेंगे बेटा किलोमीटर का, आप जानते हैं अच्छे तरीके से। ओके, इसके बाद अगर हमें दो प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, या अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है, या कुछ और हमें निकालना है, तो हम यूज़ करेंगे इस यूनिट का। इस यूनिट का नाम है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसकी वैल्यू होती है बेटा हमारे पास में 1.496 × 10^11 मीटर। देखो बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मैं इन सब की डेफिनेशन भी आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ डेटा लिख लीजिए आप लोग, उसके बाद हम डेफिनेशन की बात करेंगे। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 × 10^11 मीटर। ओके, अच्छा बेटा इसके बाद हमारे पास में आता है वन लाइट ईयर। वन लाइट ईयर मीन्स 9.46 × 10^15 मीटर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ लाइट ईयर, ये है बेटा हमारी लाइट ईयर की वैल्यू। इसका तो नाम है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, इसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है बेटा, इसका नाम है हमारे पास में लाइट ईयर, यह है हमारे पास में लाइट ईयर, ठीक। तीसरे नंबर पर है हमारे पास में वन पार्सिक, हम इसे पी ए से भी दिखाते हैं कई बार, हम इसे पी ई से भी दिखाते हैं, पी आर से भी दिखाते हैं, वन पार्सेक, पूरा नाम होता है इसका पैरालेक्टिक सेकेंड। जब मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे आया तब आपको बढ़िया करके समझ में आएगा, अभी तो आपको सिर्फ डेटा पर ध्यान देना है और डेटा अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसकी वैल्यू होती है 3.08 × 10^16 मीटर, दिस इज़ कॉल्ड पार्सेक। और आप लोगों के लेवल पर यानी 11th क्लास के लेवल पर इसे सबसे बड़ी यूनिट कहा जाता है बेटा, पार्सेक को लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट कहा जाता है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर हमें बड़े लेवल पर डिस्टेंस को मेज़र करना है तो हम यूज़ करेंगे इन स्केल्स का, सबसे पहले किलोमीटर, देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसके बाद में है हमारे पास में लाइट ईयर, और उसके बाद में है हमारे पास में पार्सेक, ठीक है बेटा।
नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा आपको ना ये डेटा बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है, 2-3-4 बार अपनी कॉपी में लिख लिख कर आपको देखना है। ये सिर्फ मैंने डेटा अभी आपको बताया है, मैं इनका प्रूफ भी आप लोगों को कराऊंगा, लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जब इनकी बारी आएगी तब हम इनकी बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमने आपसे कहा कि लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट है बेटा वो है मीटर, लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है मीटर, ठीक है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, हमें 1 मीटर को डिफाइन करना है, हमें बेटा डिफाइन करना है 1 मीटर को। अब 1 मीटर को डिफाइन करने का कोई एक तरीका हमारे पास में नहीं है, कई सारी डेफिनेशन है हमारे पास में 1 मीटर की, हमारे पास में 1 मीटर की कोई एक डेफिनेशन नहीं है, हमारे पास में कई डेफिनेशन है 1 मीटर की। अब आप सुनिए बेटा, 1 मीटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए स्टूडेंट, लाइट की जो स्पीड होती है हमारे पास में, लाइट की जो स्पीड होती है, मैं इसे लिख सकता हूं स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, हमारे पास में लाइट की जो स्पीड है वो इतनी है 299792458 मीटर पर सेकेंड। देखो बेटा, लाइट की स्पीड इतनी होती है हमारे पास में, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है तो वो इतने मीटर एक सेकंड में चलेगा, एक सेकंड में इतने मीटर चलेगा, समझ रहे हो बेटा। लाइट की स्पीड मतलब हम पढ़ते हैं एक्चुअली कि लाइट की स्पीड होती है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन एक्चुअल में लाइट की जो एक्यूरेट स्पीड है वो ये है 299792458 मीटर पर सेकेंड, समझ आ रही है बेटा। इसका मतलब यह है कि इतने मीटर लाइट एक सेकेंड में जाती है, अगर लाइट इतने मीटर एक सेकेंड में जाएगी तो 1 मीटर कितने सेकेंड में जाएगी, 1 मीटर चलने के लिए इतना टाइम लगेगा बेटा उसे 299792458 सेकेंड। देखो बेटा, तो हमारे पास में डेफिनेशन बन गई कि इतने सेकंड में दिख रही है आप लोगों को, इतने सेकंड में लाइट 1 मीटर ट्रैवल करती है, इतने सेकंड में लाइट कितना ट्रैवल करती है, लाइट 1 मीटर ट्रैवल करती है। तो हमारे पास में डेफिनेशन बन गई द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन 1/299792458 सेकंड। देखो बेटा, ध्यान से सुनो, लाइट की स्पीड है हमारे पास में इतनी, यानी हम ये कह सकते हैं कि लाइट इतने मीटर एक सेकंड में जाती है, अगर इतने मीटर एक सेकंड में जाती है तो 1 मीटर कितने सेकंड में जाएगी, 1 मीटर जाएगी इतने सेकंड में। तो डेफिनेशन हमारे सामने तैयार हो गई, लिखिए अपनी कॉपी के अंदर डेफिनेशन। डेफिनेशन हमारी तैयार हुई है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1/299792458 सेकेंड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1/299792458 सेकेंड कॉल्ड 1 मीटर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1/299792458 सेकेंड कॉल्ड 1 मीटर। इतने सेकेंड में लाइट जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वही हमारी 1 मीटर कहलाएगी। तो बेटा ये हो चुकी है हमारी 1 मीटर की डेफिनेशन नंबर 1, ये हमारी 1 मीटर की पहली डेफिनेशन है। देखो वैसे तो किताबों के अंदर 1 मीटर की मल्टीपल डेफिनेशंस अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको आपके हेल्प के लिए 2 डेफिनेशन बताऊंगा 1 मीटर की।
एक डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ, मैं एक और बता रहा हूँ बेटा आप लोगों को। फिर जो भी आपको आसान लगे, जो भी आप लोगों को ईजी लगे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, तो वो उन दोनों में से आप कोई भी एक लिख कर आ सकते हैं, ठीक है। एक डेफिनेशन हमारे पास में ये हो चुकी है। अब हम बात करते हैं बेटा सेकंड डेफिनेशन की। देखिए सेकंड डेफिनेशन हमारे पास में क्या है, देखो बेटा ये है हमारे पास में अर्थ, ओके। यहाँ होता है अर्थ का नॉर्थ पोल और यहाँ होता है अर्थ का साउथ पोल, समझ आ रही बात। इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर, इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर, समझ में आ रही बात। ये लाइन हमारी कहलाती है इक्वेटर। अब आप ध्यान से सुनिएगा बेटा, देखो हमें क्या करना है, हमें नॉर्थ पोल से चलकर इक्वेटर तक आना है। यहाँ से चलकर, यहाँ से ऐसे चलकर, यहाँ से ऐसे चलकर, यहाँ से ऐसे चलकर हमें इक्वेटर तक आना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को 10 मिलियन पार्ट में कट कर दो। 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़ से होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसे 1 करोड़ छोटे 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 हिस्सों में काट दो। तो 1 करोड़ हिस्सों में जब आपने इसे काट दिया, कट कर दिया, तो एक पार्ट जो होगा वो हमारा 1 मीटर का होगा। एक पार्ट जो हमारा होगा बेटा, वो हमारा 1 मीटर का होगा। कितने मीटर का होगा? 1 मीटर का होगा। तो डेफिनेशन हमारे पास में बनेगी द 10th millionth part of डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड इक्वेटर कॉल्ड 1 मीटर। यह है अर्थ का नॉर्थ पोल, यह है इक्वेटर वाली लाइन। अगर हम नॉर्थ पोल से चलकर इक्वेटर तक आते हैं, तो नॉर्थ पोल से लेकर इक्वेटर तक की ये जो डिस्टेंस है ना बेटा, इसे 1 करोड़ छोटे 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 हिस्सों में कट कर दो। कर दिया आपने कट, तो एक हिस्सा जो होगा वो हमारा 1 मीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 मीटर। अब आप डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिख लीजिए। डेफिनेशन है द 10 millionth part of distance between North Pole and Equator called 1 meter. The 10 millionth part of distance between North Pole and Equator called 1 meter. तो ये होगी बेटा हमारी 1 मीटर की डेफिनेशन। तो आज की क्लास में स्टूडेंट हम लोगों ने डिस्कस किया है मास के बारे में और लेंथ के बारे में। बहुत सारा फैक्चुअल डेटा मैंने आपको लिखवाया है और मुझे उम्मीद है कि उस डेटा की प्रैक्टिस करके आप डेटा को याद कर लेंगे। हम 2 क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, नंबर 1 मास, नंबर 2 लेंथ। कल हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे बेटा टाइम के बारे में। चलिए मिलेंगे आप लोगों से कल की क्लास में।